दोस्तों हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपिका देवी जी, जिद्दी जी, श्रीम जी, आप सभी का मैं आपके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा पहले बना रही हूँ, इसलिए मैं कमेंट्स जो आगे आने वाले कमेंट्स के लिए आगे जो भी वीडियोज़ होंगे उनमें बोलूँगी। सीमा सोनी जी का मैं ख़ास तौर पर धन्यवाद करने वाली हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे कमेंट्स देती हैं मुझे, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक से लगभग 300 पेजेस हमने पूरे कर लिए हैं। रिधिकाल बाद में थोड़ा सा आपको बोरिंग लगा होगा, लेकिन अब हम आज से शुरू करने जा रहे हैं आधुनिक काल गद्य खंड, जिसका समय संवत 1900 से 1925 तक है। इसका प्रकरण एक हम आज पढ़ेंगे, और मैंने आपको बताया था प्रकरण एक में सामान्य परिचय ही दिया है सभी कालों का शुक्ल जी ने, ठीक है। अब यहाँ से फिर से भक्ति काल की तरह ये वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रीति काल में बाद के कुछ वीडियोस थे जिसमें पूरे वीडियो में कुछ ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती थी जिनको आपको सुन के काम चल जाता था, लेकिन अब यहाँ पे फिर से आपको ठीक से ध्यान देना होगा। आधुनिक काल के पूर्व गद्य की व्यवस्था, आधुनिक काल आने से पूर्व गद्य की व्यवस्था कैसी थी, यहाँ पर इस चीज़ का वर्णन शुक्ल जी कर रहे हैं। आधुनिक काल के पूर्व हिंदी का अस्तित्व किस परिमाण और किस रूप में था, संक्षेप में इसका विचार कर लेना चाहिए। अब तक साहित्य की भाषा ब्रजभाषा ही रही है, इसको सूचित करने की आवश्यकता नहीं, मतलब आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि अभी तक साहित्य की जो भाषा थी वो ब्रजभाषा ही थी। अतः गद्य की पुरानी रचना जो थोड़ी सी मिलती है वह ब्रजभाषा में ही है। एक तो बहुत थोड़ी सी वार्ता साहित्य मिलता है, बहुत थोड़ी सी रचनाएं मिलती हैं, और वो भी ब्रजभाषा में ही हैं। हिंदी के पुस्तकों की खोज में हठ योग, ब्रह्म ज्ञान आदि से संबंध रखने वाले कई गोरखपंथी ग्रंथ मिले हैं, जिनका निर्माण काल संवत 1407 के आसपास है। किसी किसी पुस्तक का निर्माण काल दिया हुआ है। एक पुस्तक गद्य में है जिसका लिखने वाला पूछिबा, कहिबा आदि प्रयोगों के कारण राजपुताने के निवासी जान पड़ते हैं। राजपुताने में इस तरह की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता था, पूछिबा कहिबा, तो इसी से शुक्ल जी अनुमान लगा रहे हैं कि ये राजपुताने से संबंधित होंगे। इसके गद्य को हम संवत 1400 के आसपास के ब्रजभाषा गद्य का नमूना मान सकते हैं, है ना। थोड़ा सा अंश उद्धृत किया जा रहा है, आप लोग देख लीजिए। आप ये देखिए अब यहाँ पर कि किस तरह का गद्य हमारे जो गद्य काल शुरू हुआ है संवत 1900 के पहले, किस तरह का गद्य लिखा जाता था। देखिए श्री गुरु परमानंद तिनको दंडवत है। कैसे परमानंद, आनंद स्वरूप हैं, शरीर जिनको जिन्हीं के नित्य गायते, शरीर चैतन्य अरु आनंदमय हेतु है। मैं जो हूँ गोरस शिशो मच्छंदर नाथ को दंडवत करत हूँ। है कैसे वे मच्छंदर नाथ, आत्म ज्योति निश्चल हैं, अंताकरण जिनके और मूल द्वार हैं, छह चक्र जिननी के तरह जाने, है ना। यहाँ पे आप देखिए जहाँ वाक्य खत्म हो रहे हैं या क्रियाओं का प्रयोग किस तरह से किया गया है। इसे हम निश्चय पूर्वक गद्य का पुराना रूप मान सकते हैं। साथ ही यह भी ध्यान होता है कि किसी संस्कृत लेख का कथुम्भूति अनुवाद ना हो, मतलब ये भी कहा जा सकता है किसी संस्कृत लेख का अनुवाद ना कर दिया गया, चाहे जो कुछ हो समय 1400 के ब्रज भाषा गद्य का नमूना, मतलब जो भी है वो है गद्य का ही नमूना। चलिए देखते हैं ब्रजभाषा गद्य। विठ्ठलनाथ इसके उपरांत फिर हमें भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के भीतर गद्य ग्रंथ मिलते हैं, मतलब ये जो नमूना आपको दिखाया गया इसके बाद में अगर हम बात करें तो कहाँ मिलते हैं हमको, भक्ति काल की कृष्ण शाखा के भीतर हमें कुछ गद्य ग्रंथ मिलते हैं। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विठ्ठलनाथ ने श्रृंगार रसमंडन नाम का एक ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखा। उनकी भाषा का स्वरूप देखिए, अब ये उसके पहले का है, है ना। देखिए प्रथम की का वो पहले का है, ये बात क्या, प्रथम सखी कहतु है
जो गोपी जन के चरण विषय सेवक की दासी करी, जो इनको प्रेमामृत में डूबी के इनके मंद हासिल ना जीते, अमृत समूह ता करी निकुंज विषय श्रृंगार रस श्रेष्ठ रस ना कीनो सो पूर्ण होत भई। ठीक है, ये गद्य अपरमार्जित और अव्यवस्थित है, पर इसके पीछे दो और सांप्रदायिक ग्रंथ लिखे गए जो बड़े भी हैं और जिनकी भाषा व्यवस्थित और चलती भी है। वल्लभ संप्रदाय में इसका अच्छा प्रसार है। इनके नाम है 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता। ठीक है, ये गद्य के ऐसे हैं जहाँ पे कुछ भाषा व्यवस्थित दिखाई देती है। इसमें प्रथम आचार्य श्री वल्लभाचार्य के पौत्र गोसाई विट्ठल नाथ जी के पुत्र गोकुलनाथ जी की लिखी कही जाती है, पर गोकुलनाथ जी के किसी शिष्य की लिखी जान पड़ती। मतलब कहा जाता है कि गोकुलनाथ ने लिखी थी, पर शुक्ल जी को इसमें संदेह है, उनको ये लगता है कि ये उनके बाद उनके किसी शिष्य ने लिखी थी, क्योंकि कुछ सारी चीज़ें उसमें ऐसी दी हुई हैं। क्योंकि इसमें गोकुलनाथ जी का कई जगह बड़े भक्ति भाव से उल्लेख है, और कोई अपना ही उल्लेख इतने भक्ति भाव से नहीं करेगा ना, इससे भी ये कहा जा सकता है। इसमें वैष्णव भक्तों और आचार्य जी की महिमा प्रकट करने वाली गाथाएं कथाएं लिखी गई हैं। इसका रचनाकाल विक्रम की 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जा सकता है, मतलब बाद 17वीं शताब्दी का बाद में। 252 वैष्णवों की वार्ता तो और भी पीछे, यानी पहले औरंगजेब के समय लगभग लिखी प्रतीत होती है, मतलब ये तो और भी पहले की है। इन वार्ताओं की कथाएं बोलचाल की ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। इनमें कहीं कहीं बहुत प्रचलित अरबी और फारसी के शब्द निःसंकोच रखे गए। साहित्य की निपुणता या चमत्कार की दृष्टि से ये गाथाएं नहीं लिखी गई थी। उदाहरण के लिए ये उद्धृत अंश पर्याप्त होगा, मतलब ये किसी लोभ में नहीं लिखी गई थी, किसी ना अपना चमत्कार दिखाने या प्रसिद्धि के लिए नहीं लिखी गई थी, है ना। उदाहरण देख लीजिए, सो श्री नंद गाम में रहतो हतो, सो खंडन ब्राह्मण शास्त्र पढ़ो हतो, सो जितने पृथ्वी पर मत हैं सबको खंडन कर तो ऐसो बाको नेम हतो, याही ते लोगन ने बाको नाम खंडन पारियो हतो। सो एक दिन श्री महाप्रभु जी के सेवक वैष्णव की मंडली में आयो, सो खंडन करन लाग्यो। वैष्णव ने कही, जो तेरो शास्त्रार्थ करनो होवे तो पंडित पर पास जा, हमारी मंडली में तेरे आयबो को काम नहीं, यह खंडन मंडन नहीं है, भगवत वार्ता को काम है, भगवत यश सुनो होवे तो यहाँ वो, है ना। काफ़ी देखिए पहले से काफ़ी सही भाषा दिख रही है। इसमें अब बात करते हैं नाभादास जी की। इन्होंने संवत 1660 के आसपास अष्टायाम नामक एक पुस्तक ब्रज भाषा में लिखी, जिसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है, और भाषा इस ढंग की। भाषा देख लेते हैं, ये प्रश्न PGT में पूछा गया था, नाभादास अष्टायाम में किस ग्रंथ में भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन किया गया है। चलिए इसके भी भाषा का उदाहरण नमूना देख लेते हैं। ये भाषा के नमूने थोड़े थोड़े आपके लिए सुनने बहुत ज़रूरी है, कोई चीज़ बेकार की नहीं होती है। यदि पुस्तक में लिखी गई है तो वो आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपको लगता है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है तो भी उसको एक बार सुनेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में, मन में, कानों में चली जाएंगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। कई बार पढ़ने में तो बोरियत हो जाती है, सुन तो सकते हैं। चलिए देखते हैं। तब श्री महाराज कुमार प्रथम वशिष्ठ महाराज के चरण छुई प्रणाम करत भय, फिर ऊपर वृद्ध समाज तिनको प्रणाम करत भय, फिर श्री राजाधिराज जू जौहार करके श्री महेंद्र नाथ दशरथ जू निकट बैठते भय। उसके बाद अगर बात करें इनकी वैकुंठ मणि शुक्ल संवत 1600 के आसपास वैकुंठ मणि शुक्ल ने ओरछा के महाराज जसवंत सिंह के यहाँ थे ब्रजभाषा गद्य में अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य नाम की दो छोटी पुस्तकें इन्होंने लिखी थी। द्वितीय के संबंध में वे लिखते हैं, द्वितीय मतलब वैशाख महात्म्य के समय, वैशाख महात्म्य के बारे में ये क्या लिखते हैं देख लीजिए, भाषा का भी अंदाज हो जाएगा। सब देवतन की कृपा ते वैकुंठ मणि शुक्ल श्री महारानी चंद्रावती के धर्म पड़िबे के अर्थ यह जस रूप ग्रंथ
वैसा महात्म भाषा करत भये। एक समय नारद जू ब्रह्मा की सभा से उठ के समेर सुमेर पर्वत को गए। ठीक है, अब आगे की कहानी इसमें इतना ही उदाहरण दिया है। ब्रजभाषा गद्य में लिखा एक नासिकेतोपाख्यान मिला है जिसके कर्ता का नाम ज्ञात नहीं है। समय संवत 1760 के उपरांत है। इसकी भाषा व्यवस्थित है। देखिए नासिकेतोपाख्यान की भाषा कैसी है। हे ऋषिश्वर और सुनो, मैं देख्यो है सो कहूँ, काले वर्ण महादुख के रूप जिम किंकर देखे, सर्प बिच्छू रीछ व्याघ्र सिंह बड़े बड़े ग्रंथ देखे, पंथ में पाप कर्मी को जमदूत चलाई के मुदगर अरुलोहे के दंड मार कर मार देते हैं, आगे और जीवन को त्रास देते देखे हैं, सू मेरो रोम रोम खरो होत है। मतलब रोया रोया खड़ा हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे खड़ा, अब हम लोग जिस तरह से बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं सुरति मिश्र की। लाइंस इनको देखते चलिए, आप लोग क्रम वाले प्रश्नों में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, जबकि जहाँ क्रम दिया है आप वहाँ ध्यान नहीं देते। क्रम से देखिए, क्रम से पढ़िए, क्रम ही दिमाग में रहेगा। सन कहाँ तक याद करेंगे? सुरति मिश्र, इन्होंने संवत 1767 में संस्कृत से कथा लेकर बैताल पच्चीसी लिखी, जिसको आगे चलकर लल्लू लाल जी ने बड़ी खड़ी बोली हिंदुस्तानी में किया। ठीक है, उसको लल्लू लाल जी ने खड़ी बोली में कर दिया था। जयपुर नरेश सपाई प्रताप सिंह की आज्ञा से लाला हीरा लाल ने संवत 1882 में आईने अकबरी की भाषा बचनिका नाम की एक बड़ी पुस्तक लिखी। भाषा इसकी बोलचाल की है, इसमें अरबी फारसी के बहुत चलते शब्द भी हैं। नमूना ये है, चलिए देखते हैं। अब शेख अबुल फजल ग्रंथ को करता प्रभु को नमस्कार करके अकबर बादशाह की तारीफ करने तारीफ लिखने को कसद करे है। अरु कहे है या कि बड़ाई और चेष्टा अरुचिमित कर कहाँ तक लिखो, कही जात नहीं, ताते या के पराक्रम अरु भांति भांति के दस्तूर व मंसूबा दुनिया में प्रकट भय ताको संक्षेप में लिखत हूँ। इस प्रकार की भाषा ब्रजभाषा गद्य के कुछ पुस्तकें इधर उधर पाई जाती हैं, जिनमें गद्य का कोई विकास प्रकट नहीं होता। साहित्य की रचना पद्य में हो ही होती रही। गद्य का भी विकास यदि होता आता तो विक्रम की इस शताब्दी के आरंभ में भाषा संबंधी बड़ी विषम समस्या उपस्थित हुई होती। जिस धड़ाके के साथ गद्य के लिए खड़ी बोली ले ली गई, उस धड़ाके के साथ नहीं ली जा सकती थी, क्योंकि ब्रज में भी लिखा जा रहा होता तो फिर वही एक संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती ना, कि ब्रज को लिया जाए कि खड़ी भाषा बोली को। कुछ समय सोच विचार और वाद विवाद में जाता। कुछ समय तक दो प्रकार की गद्य धाराएं साथ साथ दौड़ लगाती। अतः भगवान का यह भी एक अनुग्रह समझना चाहिए कि भाषा विप्लव कहीं संगठित हुआ और खड़ी बोली जो कभी अलग और कभी ब्रज भाषा की गोद में दिखाई पड़ जाती थी, धीरे धीरे व्यवहार की शिष्ट भाषा होकर गद्य के नए मैदान पर दौड़ पड़ी। गद्य लिखने की परिपाटी का सम्यक प्रचार एक सेकेंड ना होने के कारण ब्रज भाषा गद्य जहाँ का तहाँ रह गया, प्रचार ही नहीं हो पाया उसका। उपर्युक्त वैष्णव वार्ताओं में उसका जैसा परिष्कृत और सुव्यवस्थित रूप दिखाई पड़ा, वैसा आगे चलकर नहीं दिखाई पड़ा। काव्यों की टीकाओं आदि में जो थोड़ा बहुत गद्य देखने में आता था, वे बहुत ही अव्यवस्थित और असक्त थे। उसमें अर्थों और भावों को भी संबद्ध रूप से प्रकाशित करने की शक्ति नहीं थी। ये टीकाएँ संस्कृत की इत्यमरह और कथाम्भूतम वाली टीकाओं की पद्धति पर लिखी जाती थी। इससे इनके द्वारा गद्य की उन्नति की संभावना न थी। भाषा की ऐसी अनगढ़ और लड़द होती थी कि मूल चाहे समझ में आ जाए पर टीका की उलझन से निकलना कठिन समझिए। मतलब मूल ग्रंथ तो आप भले ही समझ लीजिए, लेकिन भाषा इतनी ज़्यादा उलझी होती थी कि उस पर जो टीका लिखी गई होती थी वो तो बिल्कुल ही नहीं समझ आती थी। विक्रम की 18वीं शताब्दी में लिखी श्रृंगार शतक की एक टीका की कुछ पंक्तियाँ देखिए। उन्मात्ता प्रेम सरंब भादा लभन्ते यदम गना तत्रा प्रत्युमाधातुम
ब्रह्मा भी खलु कातरा, ठीक है, ये टीका लिखी गई थी। एक सेकेंड, बड़ी तेजी से बढ़ जाता है कभी कभी। अंगना जू है स्त्री सु प्रेम के अति आवेश करी, जू कार्य करण चाहत है ता कार्य विषय, ब्रह्माऊ प्रत्युहम आधातु अंतराओं की वह कहे, कातार कड़रू है, कड़रू कहावे असमर्थ, जो कुछ स्त्री करायो चाहे सु अवश्य करही, ताको अंतराओं ब्रह्मा पहना करियो जाई और की तीक बात। आपको समझ आई, वही शुक्ल जी कह रहे हैं कि मूल तो फिर भी समझे जा सकते थे पर टीकाएं तो बिल्कुल समझने के योग्य नहीं रहती। आगे बढ़कर संवत 1872 में लिखी गई जानकी प्रसाद वाली रामचंद्रिका की प्रसिद्ध टीका लीजिए तो उसकी भाषा की भी यही दशा है। देखिए उसकी भाषा की दशा, राघव सर लाघव गति छत्रा मुकुट यो हयो, हंस सबल अंशु सहित मानव उड़ गए गयो, है ना, सबल कहे अनेक रंग मिश्रित हैं, आंसू कहे किरण जाके ऐसे सारूर्य हैं, तिन सहित मानो कलिंदगिरी श्रृंग ते हंस के हंस समूह उड़ी गयो हैं। यहाँ जाति विषय एक वचन है, हंसन के सदस्य श्वेत छत्रा है और सूर्यन के सदस्य अनेक रंग नग जड़ित मुकुट है, ठीक है। इसी ढंग की सारी टीकाओं की भाषा समझिए, सरदार कवि अभी हाल में ही हुए हैं कवि प्रिया रसिक प्रिया सत्सई आदि की, उनकी टीकाओं की भाषा और भी अनगढ़ और असंबद्ध है। सारांश ये है कि जिस समय गद्य के लिए खड़ी बोली उठ खड़ी हुई उस समय गद्य का विकास नहीं हुआ था, उसका कोई साहित्य नहीं खड़ा हुआ था, इसी से खड़ी बोली को ग्रहण करने में कोई संकोच नहीं हुआ। बहुत बड़ी बात बताई जा रही है, ध्यान रखिएगा, खड़ी बोली को लेने में संकोच क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जिस समय इस खड़ी बोली खड़ी हुई थी उस समय गद्य का ही विकास नहीं हुआ था, ना किसी और भाषा का किसी तरह का कोई साहित्य ही था। अब बात करते हैं खड़ी बोली गद्य की। देश के विभिन्न भागों में मुसलमानों के फैलने तथा दिल्ली दरबार शिष्टता के प्रचार के साथ ही दिल्ली की खड़ी बोली शिष्ट समुदाय के परस्पर व्यवहार की भाषा हो चली थी। खुसरो ने विक्रम की 14वीं शताब्दी में ही ब्रज भाषा के साथ साथ खालिस खड़ी बोली में कुछ पद्य और पहेलियाँ बनाई थी। औरंगजेब के समय फारसी मिश्रित खड़ी बोली या रेखता में शायरी शुरू हो गई थी और उसका प्रचार फारसी के पढ़े लिखे लोगों में बराबर बढ़ता गया। इस प्रकार खड़ी बोली को उसको लेकर उर्दू साहित्य खड़ा हुआ, जिसे आगे चलकर विदेशी भाषा के शब्दों का मेल भी बराबर बढ़ता रहा गया और जिसका आदर्श भी विदेशी होता गया, ठीक है। मुगल साम्राज्य के ध्वंस से भी खड़ी बोली के फैलने में सहायता पहुंची, क्योंकि खत्म हो गया था। दिल्ली आगरे आदि पछाही शहरों की समृद्धि नष्ट हो चली थी और लखनऊ पटना मुर्शिदाबाद आदि नई राजधानियां चमक उठी। जिस प्रकार उजड़ी हुई दिल्ली को छोड़कर मीर इंसा आदि अनेक उर्दू शायर पूरब की ओर आने लगे, उसी प्रकार दिल्ली के आसपास के प्रदेशों की हिंदू व्यापारी जाति अग्रवाल खत्री आदि जीविका के लिए लखनऊ फैजाबाद प्रयाग काशी पटना आदि पूर्वी शहरों में फैलने लगे। उनके साथ साथ उनकी बोलचाल की भाषा खड़ी बोली भी लगी चली चलती थी, ठीक है, वो जाते थे उनके पीछे पीछे उनकी बोली भी जाएगी भाई। ये सिद्ध बात है कि उपजाऊ और सुखी प्रदेशों के लोग व्यापार में उद्योगशील नहीं होते, आलसी होते हैं ना, अतः धीरे धीरे पूरब के शहरों ने भी इन पश्चिमी व्यापारियों की प्रधानता हो चली। इस प्रकार बड़े शहरों के बाजार की व्यावहारिक भाषा भी खड़ी बोली हुई, मतलब ज़्यादा ये सबसे पहले व्यापारियों और बाजार में फैली। ये खड़ी बोली असली और स्वाभाविक भाषा थी, मौलवियों और मुंशियों की उर्दू ए मुअल्ला नहीं थी, मतलब यहाँ पे खड़ी बोली को खड़ी बोली समझना चाहिए, ये उर्दू नहीं थी। ये अपने ठेठ रूप में बराबर पछा
से आई जातियों के घरों में बोली जाती थी। अतः कुछ लोगों का ये कहना या समझना कि मुसलमानों के द्वारा ही खड़ी बोली अस्तित्व में आई, उसका मूल रूप उर्दू है, जिससे आधुनिक हिंदी गद्य की भाषा अरबी फारसी आदि शब्दों से निकाल कर गढ़ ली गई। ये शुद्ध भ्रम या अज्ञान है। हर कोई क्रेडिट लेने के लिए तो खड़ा ही रहता है। इस भ्रम का कारण यही है कि देश की परंपरागत साहित्य, जो संवत 1900 से के पूर्व तक पद्य में ही रहा था, भाषा ब्रजभाषा ही रही और खड़ी बोली वैसे ही एक कोने में पड़ी रही जैसे प्रांतों की बोलियां। साहित्य या काव्य में उसका व्यवहार नहीं हुआ, जो चीज़ मतलब उसका व्यवहार नहीं हुआ तो वो ज़्यादा प्रचलन में नहीं थी साहित्य के लिए, तो सबको लगा ये नई चीज़ है या उर्दू से निकली है। पर किसी प्रकार का साहित्य में व्यवहार ना होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। उर्दू का रूप प्राप्त होने से पहले भी खड़ी बोली अपने देसी रूप में वर्तमान थी और तब भी बनी हुई थी, अब भी बनी हुई है। साहित्य में कभी कभी इसका कोई व्यवहार कर देता है, ये दिखाया जा चुका है। भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय तक अपभ्रंश काव्यों की जो परंपरा चलती रही, उसके भीतर खड़ी बोली के प्राचीन रूप की झलक अनेक पद्यों में मिलती है। जैसे ये देखिए, ये फिर आ गया, आपने पढ़ा था, भल्ला हुआ जो मारिया बहणी तो मारा कांत, अड़बी ही पत्ती नैल जो तो बिन बुथा बुहा हत, ये दूसरी पंक्ति ला दी, सो जुहिठर संकट पावा देवक लिखी कोड़ मिटाया। उसके उपरांत भक्ति काल के आरंभ में निर्गुण धारा के संत कवि जिस प्रकार खड़ी बोली का व्यवहार अपनी धातुकड़ी भाषा के लिए करते थे, उसका उल्लेख भक्ति काल के भीतर हो चुका है। कबीर दास जी के ये वचन लीजिए, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, कबीर कहता जात हूँ सुनता है सब कोई, राम कहे भला हो गया नहीं तर भला न होई, एक सेकंड, आऊंगा न जाऊंगा मरूंगा न जीऊंगा। अब ये देखिए, ये शुद्ध आपको खड़ी बोली की झलक इसमें मिल रही है ना, तो उर्दू से इसका उद्भव कैसे माना जाए। गुरु के शब्द रम रम रहूंगा, अकबर के समय में गंग कवि ने छंद वर्णन की महिमा नामक एक गद्य पुस्तक खड़ी बोली में लिखी थी, उसके नमूने देख लीजिए, ठीक है। सिद्धि श्री 108 श्री श्री पातशाही जी श्री दिल्लीपति जी अकबर शाह जी आम खास में तखत ऊपर विराजमान हो रहे और आम खास भरने लगा है, जिसमें तमाम उमराव आए आए कुर्निस बजाए जुहार करके अपनी अपनी बैठक पे बैठ जाया करें, अपनी अपनी मिसल से, जिनकी बैठक नहीं सो रेशम के लूमे पकड़ के खड़े जाती रहे, ताजीम में रहे। इतना सुन के पातशाही जी श्री अकबर शाह जी आद शेर सोना नरहर दास चारण को दिया, इनके डेढ़ शेर सोना हो गया, रास बंचना पूरा भया आम खास बरखास हुआ। ये पूरा अकबर की सभा का वर्णन कर दिया गया है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इस अवतरण से स्पष्ट लगता है कि अकबर और जहांगीर के समय में ही खड़ी बोली भिन्न भिन्न प्रदेशों में शिष्ट समाज के व्यवहार की भाषा हो चली थी। ये भाषा उर्दू कहीं नहीं कही जा सकती, ये हिंदी खड़ी बोली थी। यद्यपि पहले से ही साहित्य भाषा के रूप में स्वीकृत ना होने के कारण इसमें अधिक रचना नहीं पाई जाती, पर यह बात नहीं है कि इसमें ग्रंथ लिखे ही नहीं जाते थे। दिल्ली राजधानी होने के कारण जब से शिष्ट समाज के बीच इसका व्यवहार बढ़ा, तभी से इधर उधर कुछ पुस्तकें इस भाषा के गद्य में लिखी जाने लगी थी। विक्रम संवत 1798 में रामप्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ नाम का ग्रंथ साफ सुथरी खड़ी बोली में लिखा। ये पटियाला दरबार में थे और महारानी को कथा बांचकर सुनाया करते थे। इनके ग्रंथ को देखकर ये स्पष्ट हो जाता है कि मुंशी सदा सुखलाल और लल्लू लाल से 62 वर्ष पहले खड़ी बोली गद्य के अच्छे परिमार्जित रूप में पुस्तकें आदि लिखने में व्यवहारित
होता था। अब तक पाई गई पुस्तकों में यह भाषा योग वशिष्ठ ही सबसे पुराना है जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। अतः जब तक और कोई पुस्तक इससे पुरानी ना मिले तब तक इसी को परमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम पर प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक मान सकते हैं। परमार्जित और प्रौढ़ लगाया गया है, ठीक है। और भी पुस्तकें थी लेकिन इतनी परमार्जित पुस्तक ये अभी तक जो मिली है वो पहली ही मानी जाएगी। भाषा योग वशिष्ठ के दो उदाहरण आगे दिए। अभी तक क्या आपने भाषा देखी, अब जरा इसकी भी भाषा देखिए। प्रथम परम ब्रह्म परमात्मा का नमस्कार है जिससे सब भासते हैं और जिसमें सब लीन और स्थिर होते हैं। देखिए कितनी परमार्जित भाषा। वास्तव में जिन आनंद के समुद्र के कण से संपूर्ण विश्व आनंदमय है, जिस आनंद से सब जीव जीते हैं, अगस्त जी के शिष्य सुतीक्षण ने के मन में यह संदेह पैदा हुआ कि तब वह उसके दूर करने का कारण अगस्त मुनि के आश्रम में जो विधि सहित प्रणाम करके बैठे और विनती कर प्रश्न किया, हे भगवान, आप सब तत्वों शास्त्रों के जाननहारे हो, मेरे एक संदेह को दूर करो। मोक्ष का कारण कर्म है कि ज्ञान है अथवा दोनों है, समझाए के कहो। इतना सुन अगस्त मुनि बोले, हे ब्राह्मण्य, केवल कर्म ही मोक्ष नहीं होता और न केवल ज्ञान से मोक्ष होता है, मोक्ष दोनों से प्राप्त होता है। कर्म से अंतःकरण शुद्ध होता है, मोक्ष से नहीं, और अंतःकरण की शुद्धि के बिना केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं होती। हे राम जी, जो पुरुष अभिमानी नहीं है वह शरीर के ईष्ट अनिष्ट में राग द्वेष नहीं करता क्योंकि उसका शुद्ध वासना है। मलिन वासना जन्मों का कारण है। ऐसी वासना को छोड़कर जब तुम स्थिर होगे तब तुम करता हुए होते हुए भी निर्लोप रहोगे और हर शोक आदि विकारों से जब तुम अलग रहोगे तब वीरगात भय क्रोध आदि से रहित हो रहोगे। जिसने आत्मत्व पाया है वह जैसे स्थित हो वैसे ही तुम भी स्थित हो। इसी दृष्टि को पाकर आत्म तत्व को देखो, तब विगत ज्वर होगे और आत्म पद को पाकर फिर जन्म मरण के बंधन में ना आवोगे। ठीक है, कैसी श्रृंखलाबद्ध साधु और व्यवस्थित भाषा है। अब देखिए बहुत बड़ी टिप्पणी है, पूछी जा सकती है कि ये किसके लिए कहा शुक्ल जी ने, है ना। तो ये चीज याद रखिएगा, भाषा युग वशिष्ठ के लिए कहा है, राम प्रसाद निरंजनी जी के लिए कहा है। साधु कितनी श्रृंखलाबद्ध साधु और व्यवस्थित भाषा है। इसके पीछे संवत 1818 में बसवा मध्य प्रदेश निवासी पंडित दौलत राम ने हरिसेनाचार्य कृत जैन पार्पी पुराण का भाषा अनुवाद किया जो 1700 पद प्रश्नों के ऊपर का एक बड़ा ग्रंथ है। इसकी भाषा इसकी उपर्युक्त भाषा युग वशिष्ठ के समान परिमार्जित नहीं है, पर इस बात का पूरा पता देती है कि फारसी उर्दू से कोई संपर्क ना रखने वाली अधिकांश शिष्ट जनता के बीच खड़ी बोली किसी स्वाभाविक रूप में प्रचलित थी। मध्य प्रदेश पर फारसी या उर्दू की तालीम कभी नहीं ला दी गई थी और जैन समाज जिसके लिए ये ग्रंथ लिखा गया बराबर व्यापार से संबंध रखने वाला समाज रहा। खड़ी बोली को मुसलमानों द्वारा जो रूप दिया गया उसे सर्वथा स्वतंत्र रूप में अपने प्राकृत रूप में 250-250 वर्ष से लिखने पढ़ने के काम आ रही थी। यह बात भाषा योग वशिष्ठ और पार्पी पुराण अच्छी तरह प्रमाणित कर रहे हैं। अतः ये कहने की गुंजाइश अब जरा भी नहीं रह गई है कि खड़ी बोली गद्य की परंपरा अंग्रेजी की प्रेरणा से चली। पर्प पुराण की भाषा का स्वरूप यह है, चलिए इसकी भाषा का भी स्वरूप देख लेते हैं। जम्बूद्वीप भारत क्षेत्र विषय मगध नामा देश अति सुंदर है, जहाँ पुण्य अधिकारी बसे हैं, इंद्रलोक के समान सदा भोगोपयोग करे हैं और भूमि विषय साठन में बाड़े शोभामान, जहाँ नाना प्रकार के अन्नों के समूह पर्वत समान ढेर हो रहे हैं।
आगे चलकर संवत 1830 और 1840 के बीच राजस्थान के किसी लेखक ने मंडोबर का वर्णन लिखा है जिसकी भाषा साहित्य की नहीं बोलचाल की है। जैसे अब्बल में यहाँ मांडव्य ऋषि का आश्रम था। अब इस सबब से इस जगह का नाम मांडव्याश्रम हुआ। इस लफ्ज का बिगाड़ कर मांडोवर हुआ है। ऊपर जो कहा गया है कि खड़ी बोली का ग्रहण देश की परंपरागत साहित्य से नहीं हुआ था, उसका अर्थ यहाँ स्पष्ट कर देना चाहिए। उक्त कथन में साहित्यिक से अभिप्राय लिखित साहित्य का है, कथित या मौखिक का नहीं। कोई भाषा हो, उसका कुछ ना कुछ साहित्य अवश्य होता है, चाहे वह लिखित हो चाहे वो लिखित ना हो, श्रुति परंपरा द्वारा ही चला आता हो। अतः खड़ी बोली के भी कुछ गीत, कुछ पद्य, कुछ तुकबंदियाँ खुसरो के पहले से अवश्य चली आती होंगी। खुसरो की सी पहलियाँ दिल्ली के आसपास प्रचलित थीं, जिसके नमूने पर खुसरो ने अपनी पहलियाँ या मुखरियाँ कहीं। हाँ, फारसी पद्य में खड़ी बोली को ढालने का प्रयत्न प्रथम कहा जा सकता है। खड़ी बोली का रूप रंग जब मुसलमानों ने बहुत कुछ बदल दिया और उसमें विदेशी भावों के भंडार बनने लगे, तब हिंदी के कवियों की दृष्टि में वह मुसलमानों की खास भाषा सी जचने लगी। इससे भूषण, सूदन आदि कवियों ने मुसलमान दरबारों के प्रसंग में या मुसलमान पात्रों के भाषण में ही इस बोली का व्यवहार किया है। पर जैसा अभी दिखाया जा चुका है, मुसलमानों के दिए हुए कृत्रिम रूप से स्वतंत्र खड़ी बोली का स्वाभाविक देसी रूप भी देश के भिन्न भिन्न भागों में पचाह के व्यापारियों आदि के साथ साथ फैल रहा था। उसके प्रचार और उर्दू साहित्य के प्रचार से कोई संबंध नहीं। धीरे धीरे यही खड़ी बोली व्यवहार की सामान्य शिष्ट भाषा हो गई। जिस समय अंग्रेजी राज्य भारत में प्रतिष्ठित हुआ, उस समय सारे उत्तरी भारत में खड़ी बोली व्यवहार की शिष्ट भाषा हो चुकी थी। जिस प्रकार उसके उर्दू कहलाने वाले कृत्रिम रूप का व्यवहार मौलवी, मुंशी आदि फारसी तालीम पाए हुए कुछ लोग करते थे, उसी प्रकार उसके असली स्वाभाविक रूप का व्यवहार हिंदू साधु, पंडित, महाजन आदि अपनी शिष्ट भाषा में करते थे। जो संस्कृत पढ़े लिखे विद्वान होते थे, उनकी बोली में संस्कृत के शब्द मिले रहते थे। ठीक है, रीतिकाल के समाप्त होते होते अंग्रेजों का राज्य देश में पूरी तरह प्रतिष्ठित हो गया था। अतः अंग्रेजों के लिए यहाँ की भाषा सीखने का प्रयत्न स्वाभाविक था। पर शिष्ट समाज के बीच उन्हें दो ढंग की भाषाएं चलती मिली। एक तो खड़ी बोली की सामान्य देसी रूप, दूसरा वह दरबारी रूप जो मुसलमानों ने उसे कर दिया था और उर्दू कहलाने लगा। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग सुन के बोर होने लगेंगे। बहुत ध्यान दीजिएगा। देखिए, हिंदी भाषा की जड़ आपको यही बताई जा रही है। आप हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, तो इसमें रुचि तो आपको अवश्य ही लेनी होगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और नहीं अच्छा लगता है तो ध्यान दीजिए, सुनिए तो अच्छा लगेगा, है ना। आप लोगों का साथ बनाए रखने के लिए, इतनी देर तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।